बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में मिलने वाली ग्रीन चटनी की रेसिपी। सिर्फ एक बेसिक चटनी से हम दो तीन तरह की डिप तैयार करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ मिक्सिंग जार ले लिया है, इसमें हमने डाल दी है एक गड्ढी हरे धनिया की। ये फ्रेश हरा धनिया है। जब भी आप चटनी बनाएं तो फ्रेश हरा धनिया और पुदीने का इस्तेमाल करें, इससे आपकी चटनी का रंग और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे एक गड्ढी पुदीने की। पुदीने की गड्ढी जो होती है वो छोटी होती है, तो हम इसमें पुदीना थोड़ा कम डालेंगे धनिया के मुकाबले। इसमें हम डाल देंगे 6 हरी मिर्चें, ये हमने पतली वाली हरी मिर्च ली हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 लहसुन के जवे, 1 खाने का चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच हम काला नमक डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, 1 खाने का चम्मच हम डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे 2 नींबू का रस। मैं इस चटनी को बग़ैर पानी के पीस रही हूँ, आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं। हमने सब सामान डाल दिया है, अब हम इसको पीस लेते हैं। हमने यहाँ चटनी को पीस लिया है, ये हमारी चटनी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। क्योंकि हमने यहाँ फ्रेश हरा धनिया और पुदीना यूज़ किया है, तो इसलिए हमारी चटनी का रंग भी बहुत अच्छा आया है। ये हमने एक कटोरी में अपनी बेसिक जो चटनी थी वो डाल दी है। अब इस चटनी से हम 2 और डिप तैयार करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच जो हमारी बेसिक चटनी है वो डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच मेयोनीज के और इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारी 1 डिप तैयार हो गई है। हम जो दूसरी डिप बनाएंगे वो हम दही से बनाएंगे। चटनी हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच और 4 से 5 चम्मच हम डाल देंगे दही के और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे ऊपर से 1 चुटकी नमक। एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये टिक्के वगैरह के साथ जो हमें सर्व की जाती है बाज़ारों में, ये हमारी एक बेसिक डिप बन गई है दही की। अगर हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लें तो ये समोसे कबाब वगैरह में काम आती है। ये जो बेसिक चटनी है आप उसे फ्रीज़र में 1 महीने तक आराम से चला सकते हैं। तो ये थी मेरी 3 तरह की चटनियाँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।